भारी संख्या में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों और बहनों, नौजवान मित्रों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख करके अपने दूसरे नेता को मौका दूंगा, माननीय नेता को मौका दूंगा, माननीय हम सब लोगों के नेता गृहमंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं कुछ ही देर में। सबको मालूम है जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो देश में गरीबों की सरकार है, में गरीबों की सरकार है, मोदी की सरकार गरीबों की विकास कर रही है लगातार और देश विरोधी ताकतों को विनाश भी कर रही है, मगर इन दिनों एक नया गठबंधन बना है भ्रष्टाचारियों का, परिवारवाद वाले लोगों का, तुष्टिकरण करने वाले लोगों का, जिसका नाम है घमंडीय गठबंधन। तब से गठबंधन, तब से चिंता का विषय भाइयों, न सिर्फ बिहार वासियों, देश के वासियों, जब से घमंडिया गठबंधन बना है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म पर और सनातन धर्म के ग्रंथों को गाली दी जा रही है। यही नहीं, चाहे वो उत्तर भारत का इलाका हो, दक्षिण भारत का इलाका हो, सभी घमंडिया गठबंधन और सभी घटक के दल सिर्फ एक ही सुर में सुर मना रहे हैं और उनका एक ही काम है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करो। लगता है कि घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिनको चाइनीज वायरस, जो चाइनीज वायरस है उसका प्रकोप हो गया है, मगर इनको पता नहीं है मोदी जी ने अपने देश में देसी वैक्सीन बना करके कोरोना वायरस को खत्म करने का काम किया। और मैं इस दावे के साथ कहता हूं, आप सब लोग जो बिहार के लोग हैं, जो देशवासी हैं, जिन्होंने संकल्प लेने का काम किया है, मोदी जी ने जो पिछले 9.5 साल के दरमियान गरीबों का कल्याण क्या है, परिवार का कल्याण क्या है, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, मुझे मालूम है और देश की जनता को मालूम है, यही 2024 में मोदी का वैक्सीन ये सब लोगों को समाप्त करने का काम करेगा। यही नहीं, बिहार तो एक और कदम चल के बढ़ रहा है, बिहार के जो लोग नेता हैं भ्रष्टाचारी, जिसने नेता को, एक नेता है एक पार्टी के, जो सावन में मटन खाते हैं और बनाने का काम करते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। यही नहीं, इनके जो एक शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे ग्रंथ को, हमारे भगवान राम के मर्यादा को कहते हैं कि पोटासियम साइनाइड की तरह है। देश की जनता इस चीज को दिल में बैठाने का काम किया है, इसको पता नहीं है आज जो देश में सनातन धर्म है तो देश की आज को पता नहीं है आज जो देश में सनातन धर्म है तो देश की आज जो देश में सनातन धर्म है तो देश की आधी आबादी बचाने का काम क्या है। और मैं मानता हूं कि देश के सही आबादी बचाने का काम क्या है, और मैं मानता हूं कि देश के सनातनियों को जहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि देश के सनातनियों को जहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान के आधी आबादी जो हमारी मां है, सनातनियों को जहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान के आधी आबादी जो हमारी मां है, बहन है, उसको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अंत में राजद के नेताओं को आपके इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आप अपने
जुबान पर कंट्रोल करने का काम कीजिए। अनाया आना था, आप पहले भी परिणाम भोगे हैं और आने वाले दिन में भी यही बिहार की महान जनता आपको खासियत और औकात बनाने का काम करेगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है 2024 में हमारी देश की मातृशक्ति माँ दुर्गा के रूप में धारण करके अपने वोट के माध्यम से ये बताएगी। पूरा भरोसा है 2024 में हमारी देश की मातृशक्ति माँ दुर्गा के रूप में धारण करके अपने वोट के माध्यम से ये बताएगी इन बेईमानों को जो सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, और यही पोटेशियम साइनाइड इनको चखा करके समाप्त करने का काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, अपने आदरणीय नेता का स्वागत करिए और आने वाले 2024 और 25 में भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करिए और पुनः मिथिलांचल में कमल का झंडा जैसा आपने उड़ाया है उड़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।